हमने यहाँ पे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी में हमने एक स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम का उद्घाटन किया, सैमसंग स्मार्ट स्कूल। ये एक CSR पहल है और यहाँ पे हमने दो स्मार्ट क्लास बनाए हैं। हर एक क्लास में हमने 40 गैलेक्सी टैब सैमसंग के वो बच्चों को दिया है और इस क्लास में दो सैमसंग के फ्लिप लगे हुए हैं, जो ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे टीचर्स लिखते हैं चॉक से, वो रिप्लेस हो रहा है विद फ्लिप। और बहुत ही इंटरेक्टिव फ्लिप है, बहुत ही आधुनिक। एक 85 इंच का है, दूसरा 65 इंच का है। 85 इंच जो है वो ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस करता है और जो 65 इंच का है उसमें बच्चे वो वाइट बोर्ड जैसे उस पर नोट्स वगैरह बनाते हैं और इस पर बहुत चीज सारी चीज़ कर सकते हैं। और ये जो टैब्स हमने दिए हैं उनके साथ इसका साथ में दोनों इकट्ठे आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। साथ में हमने बच्चों को और टीचर्स को ट्रेनिंग मिली, तो वो ट्रेनिंग जारी रहेगा। मतलब टीचर्स को भी अगर पता चलना चाहिए कि ये किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन दे सकते हैं, और इसीलिए हम टीचर्स की भी ट्रेनिंग करेंगे, बच्चों को भी हम ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे इसको यूज़ करें। तो इसी कारण हम लोग आज यहाँ पे आए थे। इससे सर बच्चों के लिए सर डिजिटल शिक्षा पर सर क्या लाभ होगा जो पहल कर रहे हैं सर आप लोग यहाँ पे? देखिए, हमें सबको पता है कि हम पिछले 2 साल कोविड महामारी के कारण हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई जी। और बच्चों को घर से पढ़ाई करनी पड़ी, स्कूलें बंद थी और न टीचर्स न बच्चे मिल पाते थे। जो एक जो पुरानी व्यवस्था थी स्कूल्स की वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी और जिसके कारण हमें ऑनलाइन जाना पड़ा। तो कई बच्चों को ये ऑनलाइन की सुविधा थी, कई बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझ आ रही थी कि बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लासेस करना भी है तो टेक्नोलॉजी समझ में आना चाहिए, टीचर्स को भी समझ में आनी चाहिए, और दूसरा जब बच्चे वापस आएंगे स्कूल में, स्कूलें खुल जाएंगी, तब भी बच्चों को एक ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी फोकस्ड एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन, ये जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, उनकी ये चेंज हो चुकी है, उनके एजुकेशन जो उनकी तरीका है पढ़ने का वो चेंज हो चुका है, टीचर्स ने भी ये सीख लिया है।